गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन क्लास नाइन्थ टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन तो जो हमारा टेंथ चैप्टर है वो ग्रेविटेशन है तो so, ग्रेविटेशन क्या है इस ला को सबसे पहले 1665 के अंदर न्यूटन ने बताया तो so, न्यूटन ने जब एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था वो तो उसने देखा कि एक एप्पल टूटता है और नीचे की ओर गिरता है तब उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स काम करता है जिसके कारण एप्पल हमेशा नीचे की ओर गिरता है ठीक है तो वहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया कि इस यूनिवर्स के अंदर अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उस ला को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल ला तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स इज तो मान लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी है एक का मास एम वन मान सकते हैं दूसरे का मास एम टू और इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस हम आर से नोट कर सकते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और जो ये फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर वो हमेशा नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासिज यानी जितना ज्यादा मास होगा उन बॉडीज का उतना ही ज्यादा वहाँ पर फोर्स लगेगा यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन मासिज के प्रोडक्ट के तो इसको इक्वेशन वन मान सकते हैं सेकेंड है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इनवर्सली प्रपोर्सनल होगा टू द स्क्र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम यानी जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रपोर्सनल यानी वन बाई आर स्क्वेयर ठीक है तो इसको सेकेंड मान सकते हैं। अगर हमारे पास इन दोनों equation को combine करें, equation 1 और 2 को combine करें, करें, और तो ये जो force है, वो क्या होगा मासिस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस स्क्र के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है तो यहां पर जो प्रपोर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट है अगर हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं तो इसकी जगह एक कॉन्स्टेंट रखते हैं जिसको हम जी से डिनोट करते हैं तो जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर तो इसी ला को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल ला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यहाँ पर जो जी है वो क्या है कांस्टेंट है वो प्रपोर्सनैलिटी यानी जिसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट अब अगर हम कोई कोई पूछे व्हाट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हम इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए जो इक्वेशन थ्री है अगर यहाँ पर मासज क्या मान लें यूनिट मास यूनिट मास का अर्थ है एम वन किसके बराबर हो एम टू के और वो किसके बराबर हो वन किलोग्राम के और इनके बीच के जो डिस्टेंस है दैट इज यूनिट डिस्टेंस यानी वन मीटर के इक्वल हो ठीक है तो यहाँ पर इक्वेशन थ्री में वैल्यू रखेंगे एफ की वैल्यू क्या है जी एम वन की वैल्यू एम वन रख दी एम टू की वैल्यू भी वन रख दी और डिस्टेंस आर है उसकी वैल्यू भी वन और उसका स्क्वेयर था तो यहाँ पर वन का स्क्वेयर तो ये वैल्यू क्या आप चाहिए कि जी की वैल्यू है वो एफ के इक्वल आ जाएगी तब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो बॉडी के बीच का जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगा बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास यूनिट मास का मीनिंग मैंने अभी बताया जिनका मास क्या हो वन किलोग्राम सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस अपार्ट यानी एक दूसरे से क्या हो यूनिट डिस्टेंस यानी वन मीटर की दूरी पर रखी गई हो अगर हम कोई भी नोमेरिकल सोल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां पर जी की वैल्यू है वो हमेशा होते सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन एज टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वायर तो ये हमारी यूनिट होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एग्जाम्पल टेन पॉइंट वन तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो मास ऑफ अर्थ इज जो अर्थ का मास है उसको बताया गया सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन इज टू पर ट्वेंटी फोर किलोग्राम एंड दैट ऑफ मून इज और जो मून है उसका मास है सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन इज टू पावर ट्वेंटी टू किलोग्राम इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज और जो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा है उसके बीच की जो दूरी है दैट इज थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन इज टू पावर फाइव किलोमीटर तो यहाँ पे हमने यूनिट को ध्यान रखना है मास हमेशा किलोग्राम में हो और जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए यहां पर किलोमीटर है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे जब हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे ठीक है कैलकुलेट द फोर्स एग्जेटेड बाय द अर्थ ऑन द मून तो अर्थ के द्वारा मून के ऊपर कितना फोर्स लगेगा उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सोल्यूशन देखो सबसे पहले जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है सिक्स इंटू टेन टू पॉल ट्वेंटी किलोग्राम मास ऑफ मून कितना है 7.4 10 रे टू पावर 22 किलोग्राम रेडियस ऑफ अर्थ मैंने बताया था 3.84 10 रे टू पावर 5 किलोग्राम किलोमीटर था तो इस किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करोगे एक किलोमीटर में एक हजार मीटर होते हैं एक हजार मीटर में तीन जीरो होंगी तो हमारे पास तीन पावर और ऐड कर देंगे तो 10 के पावर 8 हो जाएगी वहां पर ठीक है तो जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 या अप्रोक्सीमेट क्या ले सकते हैं सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर तो हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है जी एम एम बाई आर स्क्वेयर ठीक है तो जी की वैल्यू हमें पता है मास ऑफ अर्थ पता है मास ऑफ मून पता है उनके बीच के डिस्टेंस पता है अगर हम इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टू पॉइंट जीरो टू इंटू टेन ट्वेंटी न्यूटन ठीक है तो ये हमारा आंसर होगा तो अगर ये आपको क्वेश्चन आ गया है तो इसमें दो ब्लू क्वेश्चन दिए गए हैं बुक के अंदर एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और दूसरा क्वेश्चन है उसको मैथमेटिकली ड्राइव करना है तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने बता दिया कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया न्यूटन ने डिस्कवर किया कब किया 1665 के अंदर किया ठीक है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेकंड में पूछा मैथमेटिकली ड्राइव करो तो ये हमने मैथमेटिकली ड्राइव कर दिया ठीक है तो आपने ये दो क्वेश्चन है ब्लू क्वेश्चन और एक ये एग्जाम्पल है और एक ये आर्टिकल आपने नोटबुक में राइट भी करना है और इसको अच्छे से लर्न भी करना है ओके थैंक यू